अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। दोपहर 12 बजे तक तेलंगाना में कोरोना वायरस का कोई नया केस नहीं। खाने पीने की अशिया की जायद कीमत पर फरोख्त, हैदराबाद में पकड़ा गया ताजिर। कोरोना वायरस को हवा में खत्म करने आंध्र प्रदेश के एक हॉस्पिटल में हो रहा है नया तजुर्बा। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 562 तक पहुंच गई, 12 फौत। और बरतानिया को बड़ा झटका, प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस के शिकार, मुस्बत आई रिपोर्ट। और अब खबरों की तफसील। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तेलंगाना भर में लॉकडाउन जारी है और पुलिस की जानिब से सड़कों पर गैर जरूरी गश्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस असना में महकमे सेहत की जानिब से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि दोपहर 12 बजे तक रियासत में कोरोना का एक भी नया केस दर्ज नहीं हुआ है। ताहाल रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 39 हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान जायद कीमत पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले ताजिर के खिलाफ हैदराबाद की रच्चकोंडा पुलिस ने कार्रवाई की है। एलबी नगर इलाके का एक ताजिर ज्यादा कीमत पर अशियाए खुर्दनोश फरोख्त कर रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने उसकी दुकान पर धावा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 20 लाख रूपये मालियती गेहूं का आटा, मैदा और दीगर अशिया जब्त कर ली गयी। ताजिर का नाम श्रीनिवास रेड्डी बताया गया है। मरकजी हुकूमत ने मौजूदा हालात में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी के NPR और मुर्दुम शुमारी के पहले मरहले को मुलतवी करने का फैसला किया है। वाजे रहे कि 1 अप्रैल से मुर्दुम शुमारी और NPR को अपडेट करने के अमल का आगाज होने वाला था। इस दौरान कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में 21 दिन तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। उसी के पेश नजर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के मरहले को आइंदा अहकाम जारी होने तक मुलतवी करने का फैसला किया गया है। ये बात वजारत दाखिला के जराए ने बताई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि मुल्क भर में 21 दिन की लॉकडाउन के मौके पर बैंक की खिदमत सारिफिन को दस्तियाब रहेंगी। SBI रिटेल और डिजिटल बैंकिंग डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर PK गुप्ता ने कहा कि उनकी खिदमत में कोई रुकावट नहीं होगी। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के इकदाम के तहत अमले की कमी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक ब्रांचेस के ऑपरेशन का वक्त कम कर दिया गया है। गुप्ता ने मशवरा दिया है कि सारिफिन को मौजूदा सूरत हाल में डिजिटल लेन देन को तरजीह देनी चाहिए। SBI ने सारिफिन से दरख्वास्त की है कि वो अपने डिजिटल खिदमत को महफूज रहने के लिए इस्तेमाल करें। हिदायत वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुशीराबाद जमिस्तानपुर में M गोपाल रुकने असेंबली मुशीराबाद के हाथों गुरबा में 500 राशन के किट्स तकसीम किए गए। मोहम्मद शाहिद सदर हिदायत वेलफेयर फाउंडेशन के अलावा जाफर खां, मेराज शेख हनीफ, सुलेमान व दीगर भी मौजूद थे। जिस वक्त चाइना में स्टार्ट हुआ वहां से कम 4,000 लोग मर चुके हैं। कम से कम 2 लाख तक लोगों को अस्पताल में शामिल करें वहां पर। अभी उसके बाद इटाली देखे तो इटाली में भी कम से कम 5-6,000 लोग मर गए, 2-3 लाख लोग अस्पताल में है। वैसे ईरान में देखो, अफगानिस्तान में देखो, स्पेन में देखो, हर जगह बहुत बड़े पैमाने से लोग मर जा रहे हैं। ये कोरोना से विश्वास से मर जा रहे हैं लोग, किसी से कुछ किसको कोरोना है कुछ मालूम नहीं आ रहा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा GG हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए इंतहाई निगहदाश्त के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस को हवा में ही खत्म करने इंतहाई असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का तजुर्बा किया जाएगा। इसके लिए लोहे से तैयार करदा नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन वार्ड कायम किए जा रहे हैं। नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन वार्ड में कोरोना वायरस के मरीजों की जानिब से लेने वाली सांस से दूसरे शख्स को मुतासिर होने से बचाया जा सकता है। जैसे ही मरीज सांस लेता है उसके मुंह से निकलने वाले वायरस को असरी टेक्नोलॉजी वाले नेगेटिव प्रेशर खत्म करते हुए शफाफ हवा मरीज तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरह के 8 वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं, जिस पर 1.3 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। 2 दिन पहले एक नौजवान डॉक्टर जो GGH में मरीज का इलाज कर रहा था में कोरोना की अलामत पाई गई। डॉक्टरों को वायरस से महफूज रखने के लिए ये तजुर्बा आइंदा हफ्ते किया जाएगा।
हिंदुस्तान भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 562 तक पहुंच गई है। मरकजी हुकूमत के जराये के मुताबिक उनमें से 41 अफराद रूबे सहित हुए हैं, जबकि 12 अफराद की मौत वाकई हो चुकी है। जो अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं उनमें 43 बैरूनी ममालिक के बाशिंदे बताए गए हैं। दिल्ली हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो किसी किस्म की दहशत में न आए और दारुल हुकूमत में लॉकडाउन के दौरान जरूरी अशिया की सरबराही फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजल और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे को सीनियर अफसरान के साथ बैठकर लॉकडाउन का जायजा लिया। एजल और केजरीवाल ने मीटिंग के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में जरूरी अशिया की किसी किस्म की कमी नहीं होने दी जाएगी और रियासती हुकूमत की पूरी कोशिश रहेगी कि 21 दिन के लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान कोई भी भूखा ना सोए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें होंगी, लेकिन सभी लोगों को इसका मिलकर मुकाबला करना होगा। पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद अपने ऑफिस में एक हेल्पलाइन का नंबर दिया है। अगर आपको कहीं पुलिस से किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फोन कीजिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप वो नंबर नोट कर सकते हैं, 2346-9536। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2346-9536। ये नंबर सीधे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर का नंबर है और इसके ऊपर आपको अगर पुलिस से कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी का ये जो 21 दिन का पीरियड है इसमें कोई भी भूखा ना सोए, उसके लिए तरह तरह के एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल पीरियड है। परेशानियां होंगी, ऐसा नहीं हो सकती कि परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिंदुस्तान की एक रियासत में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने कोरोना को आज पूरी रियासत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रियासती इंतजामिया ने कहा है कि आइंदा अहकाम तक पूरी रियासत में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। आज से मुल्क भर में 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए आधी रात से 3 हफ्तों तक मुल्क में मजमूई तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया। मुल्क के बीस्तर इलाकों में लॉकडाउन पहले ही 31 मार्च तक मौजूद नाफिज कर दिया गया था और वजीर आजम के ऐलान के बाद अब तमाम रियासतों में उसे मजीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी जानब हिन्दुस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 12 हो गई है। 12वीं मौत तमिलनाडु में हुई। इत्तला के मुताबिक एक 54 साल शख्स की कोई सफरी तारीख नहीं थी, लेकिन उसे 23 मार्च को कोरोना मजबूत पाया गया था। उसके बाद उन्हें चेन्नई के राजाजी हॉस्पिटल के तन्हाई वाले वार्ड में दाखिल किया गया। चहारशंबे की सुबह उनका इंतकाल हो गया। उसके साथ ही मुल्क में कोरोना की मजबूत तादाद 523 हो गई है, जिसमें से 11 की मौत हो गई है। वहीं हॉस्पिटल से 44 अफराद बाजियाब होकर घर वापस गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मुल्क के असातिज़ा तुलबा व दिगर अमले से 21 दिन तक घर से बाहर ना निकलने की अपील करते हुए कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन के ऐलान को कामयाब बनाने की अपील की है। कमीशन के चेयरमैन धर्मेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि मुल्क एक भयानक बहरान से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में आइए हम सब मिलकर मौजूद वजीर आजम जी के जरिए किए गए ऐलान की मुकम्मल हिमायत करें। ये 21 दिन का लॉकडाउन हमारी सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मध्य प्रदेश में तमाम तर एहतियात के बावजूद कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। मरीजों की तादाद में इजाफे की खबर आने के बाद हुकूमत ने जहां सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है, वहीं मध्य प्रदेश के बॉर्डर को सील करते हुए शहरियों से घर में रहने की हिदायत जारी की है। बरतानिया में मलिका एलिजाबेथ के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। फिलहाल चार्ल्स स्कॉटलैंड में सेल्फ आइसोलेशन में हैं और मौसूला इत्तला के मुताबिक वहीं उनका इलाज किया जा रहा है। 71 साल चार्ल्स बरतानवी ताज के जानशीन के तरतीब में पहले नंबर पर हैं।
बकिंगम पैलेस के तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कोरोना वायरस मुसबित पाए गए हैं। उनमें कोरोना वायरस की कुछ अलामतें पाई गई हैं, हालांकि उनकी सेहत ठीक है और आने वाले कुछ दिनों तक वो घर से ही काम करते रहेंगे। प्रिंस चार्ल्स की अहलिया डचेस ऑफ कार्निवल एमिलिया का भी कोरोना वायरस टेस्ट करवाया गया है, हालांकि उनका नतीजा मनफी आया है। सरकार और डॉक्टर्स की सलाह के बाद प्रिंस और उनकी अहलिया घर में सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। ये टेस्ट NHS की तरफ से किए गए हैं। शक जाहिर किया जा रहा है कि प्रिंस चार्ल्स को कोरोना वायरस गुज़िश्ता दिनों कई अवामी प्रोग्राम में शिरकत करने की वजह से हुआ है, हालांकि इन्फेक्शन के जरिए की अभी तक कोई पुख्ता मालूमात नहीं मिली है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सिख अकलियतों के मजहबी मुकाम गुरुद्वारे पर हुए खुदकुश हमले में 11 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। हिंदू और सिखों के नुमाइंदे रुकने पार्लियामेंट नरेंद्र हालसा ने बुध को ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने काबुल के शोर बाजार जिले में गुरुद्वारे पर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:45 पर हमला कर दिया। उन्होंने जायवकू के नजदीक से बताया कि हमलावर दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान मुठभेड़ जारी है। इस दौरान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि इस हमले से उसकी तंजीम का कोई लेना देना नहीं है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के अख्तिताम से खबर, दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। दोपहर 12 बजे तक तेलंगाना में कोरोना वायरस का कोई नया केस नहीं। खाने पीने की अशिया की जायद कीमत पर फरोख्त, हैदराबाद में पकड़ा गया ताजिर। कोरोना वायरस को हवा में खत्म करने आंध्र प्रदेश के एक हॉस्पिटल में हो रहा है नया तजुर्बा। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 562 तक पहुंच गई, 12 फौत। और बरतानिया को बड़ा झटका, प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस के शिकार, मुस्बत आई रिपोर्ट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।